सर भारती ने आपके लिए बहुत मदद की, शी इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड और आप सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक सक्सेसफुल वुमेन का हाथ होता है, पर सक्सेसफुल वुमेन के भी पीछे बिना मैन के नहीं हो सकता है। जैसे हेल्थ इश्यूज भी इनके रहे और आपने बहुत इनको अच्छे से गाइड किया पिंक फैक्टर क्रिएट करवाने में। वॉट यू हैव, आपको क्या लगता है इनका क्या क्वालिटी देखकर आपने? इसका एक था, ड्रीम था कि मैं ब्रांड और खुद का काम करूं। इसका मेन है कि खुद का करूं, तो मैंने यही कहा कि इसको पूरा वो दिया, फ्रीडम दिया कि आप करना जो चाहो कर लो। और हेल्थ इशू है उसके लिए बोल रखा है कि ध्यान रखे, बाकी जो इच्छा हो जैसे करें। तो कैसे आप बैलेंस कैसे करवाते हैं हेल्थ इनकी? आपका भी सपोर्ट के बिना तो होता नहीं होगा। नहीं, हेल्थ का क्या हो तो ये सब डिपेंड करता है आप कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं क्या है। तो मेन है कि इनका कॉन्फिडेंस अगर बना हुआ है और स्ट्रेंथ दे, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, वो भाई फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से, कोई इसी चीज़ के लिए कुछ मना नहीं है। एक करना है कैसे ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए मेरा खुद का भी एक्चुअली इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था पहले, बट मेरे ऑलरेडी इतना काम है कि मैं उस इसको का वो नहीं दे पाया, तो फिर इसने आगे बढ़ाना है इसको। तो आपको इनकी कौन सी स्ट्रेंथ नज़र आती है कि पेन फैब में इनका नाम हमेशा आगे ही रहे और शी इज़ अ होल सोल शी इज़ वर्किंग? ये हर चीज़ में आगे इसका ऑलरेडी इसके नेम से एक काफ़ी बड़ी वो चल रही है, पूरी फर्म में पूरा अच्छा बिजनेस चल रहा है इसका उसमें। तो इनकी है क्वालिटी की, मतलब ये जो डिज़ाइंस को निकालते हैं, तो आपको कभी लगा ये बिफोर मैरिज ऑल्सो मतलब करती भी आ रही, तो इसको कंटिन्यू करना था, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है यू कैन डू। तो आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि शी ऑफ कोर्स दैट्स क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही तो वर्क करेगा इसमें। वो तो कॉन्फिडेंस है तभी कर रही है आगे और करेगी। एक कॉन्फिडेंस मेरा नहीं होगा तो अपने आप ही खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएगी अदरवाइज। अगर एक बिलीव, तो इनकी कौन सी आर्ट पर बिलीव है, डिजाइन पर, इनकी चॉइस पर? एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आपको काम करना है, मैं भी बढ़ाऊँ तो ऐसे ही बढ़ाऊँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही आगे बढ़े हैं और आज हम मतलब काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग इसको भी मैंने ये बोला है, इवन प्रीति को मैंने बोला है कि मेरा जो बिजनेस है ना, उस सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला बिजनेस है ये वाला। मतलब आपके बिजनेस से भी ज़्यादा पोटेंशियल, जिस दिन चलेगा जो धीरे धीरे कर रहा है, जिस दिन अच्छे मोड पे आ जाएगा तो ये बेस्ट बिजनेस होगा। मतलब मैंने इसको ही बोल रखा है कि मेरे बिजनेस को भी पीछे कर पीछे छोड़ सकती हैं। हाँ, अगर आप ढंग से आप पूरा वो पूरा सपोर्ट से और पूरा फोकस होकर फोकस होके अगर करोगे आप ढंग से तो। तो इनको और दूसरा हेल्थ के मैटर पे आपका कंसर्न रहता होगा, तो ऐसा कुछ है कि मतलब यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर? हेल्थ का यही है कि किसी भी चीज को मतलब इतना ज्यादा एग्जर्ट ओवर एग्जर्ट मत करो, आप रिलैक्स रह के काम करो ताकि खुद की हेल्थ नहीं आए। मतलब वो धीरे धीरे स्टेप्स लो। हाँ। और रिलैक्स रह कर करो। एक्चुअली अभी डॉक्टर को भी अभी कंसर्न किया था, तो कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर वापस से सर्जरी के लिए बोला, बट हमारा ये कि सर्जरी नहीं करानी है, तो उस अकॉर्डिंग वो कब नहीं होगी जब ये खुद का ध्यान रखेगी। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा ध्यान से मैंने इसको बोल दिया कि भाई 24/7 तो मैं ध्यान रख नहीं सकता क्योंकि पता ही नहीं रहता सुबह से स्क्रीनिंग का। तो मतलब आप सेल्फ केयर पर भी पूरा सजेस्ट करते हैं?